सर आपका नाम? सचिन सर। सचिन सर माजी आप कहाँ से हैं? मैं जनपद बागपत से हूँ सर। हमें बहुत पीड़ा में हूँ, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है। सर हम एक ही बात पूछना चाहेंगे मोदी जी से कि कौन सा हमारे से कमी रह गई, किस तरीके से हमने क्या गलत कर दिया? हमने 17 साल अगर हमने बच्चों को पढ़ा दिया जब 1750 रुपये पे लगे थे, ये क्या ये सर उस टाइम योग्य थे? आज जो है क्या नाम उसका इनको जो है भरपेट खाना मिलना शुरू हो गया तो सरकार की आंखों में जो है क्या नाम से खटकने लगे ग्राम प्रधानों के। शिक्षा मित्र खुद नहीं गया था सरकार के पास कि हमें लगा लो, ग्राम प्रधान पे चयन किया गया। डीएम जो जिलाधिकारी होते हैं जिलों के उनके पास प्रस्ताव भेजे गए, उनकी सबकी मेरिट लगाई गई। एक बात बोलना चाहते हैं हम सर, उस जमाने के लगे हुए हैं जब 30% और 40% में हमारे गांव में ढोल बजते थे कि हमारे लड़के ने सेकंड डिवीजन से पास हुआ, और आज मशीन बना दिए हमारे 17 साल बाद हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो गए हैं। आज भी हमारे सामने खड़े होकर टैट देंगे कि वे 90% 99% जो है मेरिट लेकर बैठे हैं, ये बताइए 30% 40% और 35% वाले बच्चे वे कहाँ जाएंगे? जो उनके पिता लोग हैं वे अपने बच्चों को करा रहे हैं। आज हमारे पास इतना जो है समय बीत गया है, आज हम कुछ भी करने लायक नहीं है, ना हमारे पास कोई रोजगार रहा न कुछ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से डिसीजन दे दिया कि खुली भर्ती में आओ टैट करके आओ, क्या अब हम पढ़ने लोग हैं? हमारी मानसिकता इतनी बदल चुकी है बहुत ज़्यादा। शिक्षा मित्रों के सामने भूखमरी का ऐसा कागार आ चुका है, बहुत जो है जिस तरीके से वो उसमें पीड़ा में जूझ रहा है। मोदी जी से सिर्फ एक ही बात कहेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया है उसमें केवल राजनीति हुई है, बाकी और कुछ नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों के साथ में इस तरीके से द्वेष भावना रखी गई है, क्या शिक्षा मित्र इस भारत का जो है वो नहीं था? क्या उन्होंने वोट नहीं दी थी? क्या क्या नहीं दिया था 2019 के लिए? उन्होंने जो शिक्षा मित्रों को 17 साल की तपस्या, 7 साल में एक चपरासी को बाबू बना दिया जाता है, क्या 17 साल में जो शिक्षा मित्र क्या व्यवसाय का अध्यापक नहीं बन सकता? संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे सड़कों पर अपने बीवी बच्चों को। अगर हम आज एक बात कहना चाह रहे हैं मोदी जी से, अगर नियमों में संशोधन नहीं हुआ तो हम जंतर मंतर पर अपने बीवी बच्चों अपने पूरे परिवार को और अपने सगे संबंधियों को लेके लौटेंगे, यहाँ पे सड़कें जाम करेंगे, मरेंगे या मारेंगे, क्योंकि मरता हुआ कुछ क्या करता है उसे कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमारी हालत, हमारी मानसिकता, हमारी पीड़ा ऐसी खत्म हो चुकी है। हमें ये बता दो या तो हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हम राहगीरी करें या हम गुंडागर्दी करें, हम कानून हाथ में लेंगे। अब बिल्कुल अपने बच्चों को पालना है हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ये 10,000 रुपये क्या होता है? हमारे पास आज कर्ज से हम डूबे हुए हैं। नौकरी मिली थी, सोचा कि अपने बच्चों को अच्छे परवरिश देंगे, 3 भविष्य का नाश कराया इस सरकार ने, 3 भविष्य का, हमारा, हमारे माँ बाप का, हमारे बच्चों का। हम अच्छी शिक्षा देना चाहते थे अपने बच्चों को, हम चाहते थे कि जिस पीड़ा के साथ में हम जूझे हैं, हम झुलसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे ना झुलसे। ये देश का भविष्य, हमारा भी भविष्य खराब, हमारे बच्चों का भी खराब, हमारे माँ बाप का तो खत्म कर ही दिया इन्होंने। हमारे पापा हार्ट पेशेंट ने जिस दिन जो है क्या नाम उसका पहला अटैक आया उनको, जिस दिन इन्होंने ये डिसीजन सुना सुप्रीम कोर्ट का, जो है हम एक बात पूछना चाह रहे हैं मोदी जी से कि सिर्फ हमें ये बताएं कि शिक्षा मित्र राहगीरी करें, गुंडागर्दी करें, या अब जो है क्या नाम उसका उग्रवादी बने, क्या बने हम? मोदी जी हमें अध्यादेश दे दीजिए, हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ लेंगे, वरना जैसे आज हम कानून हाथ में लेने को तैयार हैं तो अगली पीढ़ी भी तैयार हो जाएगी। नेतागिरी बिल्कुल खत्म कर देंगे जड़ से। जनपद बागपत ने साफ इनकार कर दिया है कि अगले आने वाली सरकार 2019 में कोई वोट नहीं जाएगा, किसी भी नेता को वोट नहीं देंगे हम, बिल्कुल भी, खाली बक्से भेजेंगे। हमें योग्य अयोग्य कहने वाले एक बात बताओ, शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाती थी चुनाव में जब योग्य थे हम, हैं? अरे हम ही तो करते थे, प्लस पोलियो, सारे जितने भी काम, सारे जितने भी पुराने मास्टरों ने क्या करा, BLO, सारे काम सब हमारे पर लाद दिए गए। शिक्षा मित्र जब योग्य थे 3500 रुपये मिल रहे थे, 1750 मिले, शांति से दे रहे। आज कह रहे हैं, अभी हमने न्यूज़ बना था कि बजट खराब है सरकार का, इस वजह से कुछ कारण बन सकते हैं। सरकार से हम ये पूछ रहे हैं, ये BEd BTC कॉलेज जो खोल रहे हैं और जो नई पीढ़ी जो है आगे खड़ी हो लग रही है, इनको ना रोजगार कहाँ से दोगे? आज 12 लाख का सवाल हो गया है, आगे और लग रही हैं, क्या वे भी इस तरीके से धरने पे बैठेंगे? यही रहेगा क्या भारत का कानून? ये रहेगा? मोदी जी स्पष्ट करें, या तो इनको जो है 1,72,000 को नौकरी दे दें, नहीं तो ये बता रहे हैं कि राहगीरी करने शुरू कर देंगे। Yeah!
क्या क्या